सब्सक्राइब टू विल्सन नेपाल राइट नाउ। लाल फूल पीला फूल विल्सन भैया हमारे लिए ब्यूटीफुल। तो फिर से वेलकम है आप लोग का मेरा चैनल पे। आज मैं जा रहा हूँ यिमथांग वैली और जीरो पॉइंट, साथ में मैं आप लोग का जो कि यिमथांग वैली अभी फ्लावर का टाइमिंग हो रहा है, जो कि उधर का जो मैं फ्लावर दिखाने वाला हूँ आप लोग को। आज अप्रैल महीना 24 तारीख 2022। दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, देखते रहना। और इस टाइम पे सिक्किम पे बहुत बारिश वर्षा भी हो रहा है, इसीलिए हम लोग को ट्रैवल करने में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है। ये है एक लाली गुरास फूल जो कि रोडोडेंड्रन बोलता है हम लोग का भाषा में, जो गुरास बोलता है। मिनिमम 5000 हाइट ऊपर से ये पाया जाता है और ये सबसे रेयर है ये लाल वाला। और जो ये बाकी दिखाई दे रहे हैं ये सभी जगह मिल सकता है, क्योंकि ये फूलों टोटल आपको 32 कलर में पाया जाता है। मिनिमम 28 कलर नेपाल में पाया जाता है, क्योंकि नेपाल का एक ये नेशनल फ्लावर भी कहा जाता है। और बाकी 3% इधर सिक्किम पे पाया जाता है। बहुत सा प्यारे लग रहे आप लोग जब आ रहे तो यिमथांग वैली में, जो कि ये फ्लावर दिखाई दे रहा है, इसको लॉलीपॉप फ्लावर भी बोला जाता है। और आप लोग का जो अप्रैल लास्ट से ऐसा फूल देखने के लिए मिलता है, जो कि आप लोग का अप्रैल 15 तक बर्फ़ ही बर्फ़ होगा सभी जगह। उसके बाद आप लोग ये फ्लावर देखने के लिए मिलेगा अप्रैल मई जून जुलाई तक। उसके बाद तो आप लोग बारिश की वजह से घूम नहीं पाएगा, क्योंकि हर जगह रास्ता बंद होने का चांसेस होता है। और दोस्तों मैं अभी यिमथांग वैली पे हूँ, मिनिमम 12000 हाइट फुट ऊँचाई पर। जो ये दिखाई दे रहा है ये एक यिमथांग वैली है। बहुत सा अच्छा अच्छा जगह है सिक्किम पे घूमने के लिए, जो कि दिखाई दे रहा है याक चौंगी गाय बोलते हैं इसको, एक पहाड़ी गाय। सो दोस्तों अभी इस टाइम पे आप लोग यिमथांग वैली आ रहे तो एक स्वर्ग की तरह नज़ारा देखने के लिए मिलेगा, और जो कि कुदरत से प्यार करने वाला का दुनिया एक अलग सा ही होगा। और मैं तो बहुत प्यार करते रहता हूँ कुदरत से, क्योंकि जब आप लोग भी आ रहे तो आ सकते हैं इस जगह पे, बहुत अच्छा है। जब आप लोग इधर आके ये फ्लावर के साथ आप लोग थोड़ा बोलचाल करेगा, उसके बाद पता चलेगा इधर का खासियत, इधर का ब्यूटीनेस क्या है। इसलिए आप लोग के लिए हम लोग वेलकम करता हूँ सिक्किम घूमने के लिए। जब आप लोग ये फ्लावर वैली पे घूमने के लिए आ रहे तो आप लोग सिर्फ फ्लावर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन चुराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल ब्यूटी है। आप लोग ये फ्लावर चुराएगा तो फिर दूसरा लोग क्या देखेगा, ये आप लोग खुद आप समझने से अच्छा होगा। पहले ये सीन तो देखिए कितना अच्छा है लग रहा है। और हमारा सिक्किम भी दुनिया का सबसे एक अच्छा स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। जो ये आगे का दिखाई दे रहा है इसको माउंट कटाऊ बोलते हैं, जो कि माउंट कटाऊ का एक एक जो कि माउंट कटाऊ का एक हिस्सा है, बहुत सा एक सिल्वर कलर का जो दिखाई दे रहा है। क्या कहूँ मैं आप लोग को, मेरा कुछ वो बताने का ये बात ही नहीं है। दोस्तों जो ये वीडियो दिखाई दे रहा है आप लोग, ये वीडियो देख कर आप लोग समझ लीजिए, और बहुत अच्छा है ये जगह। जो कि ये दिखाई दे रहा है ये एक स्ट्रॉबेरी का जो फ्लावर है, अभी फूल रहा है लेकिन
15 दिन बाद इसका फल देखने के लिए मिलेगा और ये खा भी सकता है। और जब आप लोग ऑल सिक्किम टूर के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने आप लोग का मेरा फ़ोन नंबर ऑलरेडी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह को भूलना नहीं चाहिए जब आप लोग सिक्किम घूम रहे हैं, तो यमथांग जगह को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हो रहे बहुत अच्छा बढ़िया। हाय विल्सन ब्रो, हाय बहुत सुमन खड़ा, सुमन है देवासी क्षेत्र बंधु खड़ा। बहुत अच्छा लग रहा है विल्सन भैया के लिए। नहीं कैसा रहा है? हाय मेरा नाम सोनक है। तो बहुत ही अच्छी है प्रियंका चोपड़ा। जो कि अभी हम यमथांग वैली, जो कि इसको एक फ्लावर वैली बोलता है, और ये दिखा दे रहे हैं सारे की सारे पूरी कपूरी एक यहाँ पे याद देखने के लिए मिलेगा। जब आप लोग भी आ रहे तो इस जगह पे बहुत मजा ले सकते हैं आप लोग। मैं अभी यमथांग वैली पे हूँ, जो कि ये यमथांग वैली का है स्मृति वन। 2001 में ये स्टार्ट हुआ था। और आप लोग यमथांग का जो फ्लावर वैली है वो देखने के लिए आ रहा है तो अप्रैल लास्ट से लेके मई जून जुलाई तक आप लोग आ सकते हैं, क्योंकि अप्रैल 15 तक तो फूलों का उतना सीजन नहीं होता है, इसलिए आप लोग अप्रैल लास्ट से आप लोग अभी आ सकते हैं। और देखने के लिए अभी बहुत अच्छा है देखने के लिए फूल वगैरह, और दिखा दे रहे कितने प्यारे लगते हैं। लेकिन ये फूल चुराना मना है इधर, क्योंकि जब आप इधर फूल चुराएगा तो इधर का जो ब्यूटीनेस ही नहीं रहेगा, फिर दूसरा लोग आएगा वो लोग देखने के लिए नहीं मिलेगा, फूल ही नहीं मिलेगा इसलिए। और अभी बर्फ तो आप लोग का 0.2 है, 0.2 यहाँ से आगे है, लेकिन थोड़ा बहुत है और काला पत्थर है, क्योंकि ये अप्रैल लास्ट से बर्फ अब मिलने का चांस है। और मैं आगे की तरह जा रहा हूँ, अभी सभी फूल फूलते फूलते जा रहा है। मिनिमम आप लोग जून महीना तक आ सकते हैं घूमने के लिए, उसके बाद तो बारिश शुरू होगा। अच्छा है फूल है, और ये फूल जो बहुत कलर में पाए जाते हैं। पूरा फूलों का जंगल है, पीछे देख सकते हैं चारों तरफ फूलों फूले मेरा आगे पीछे। और थोड़ा ये जंगल के अंदर अकेला सफर करने के लिए थोड़ा मजा भी अलग आ रहा है हमको। पूरा नीचे की तरह जा रहा हूँ मैं। जो कि ये दिखाई दे रहा है आगे एक छोटा सा घर, ये एक सिफर हाउस है, जो कि इधर जो याक वगैरह जो चराने वाला का एक रहने का जो जगह है, रात को इधर रहना पड़ता है।
इसीलिए वो लोग का एक अच्छा सा एक सुपर हाउस बोलता है इसको। अरे बाप रे, बहुत मस्त है पूरा ये शो दिखाई दे रहा है। ये फूलों का गाछ है, बड़े सा रोटोडन, पूरा मस्त लग रहा है। ये एक मेल रोटोडेंडन है, क्योंकि उसका ये क्या बोलता है इसको, ये टाइप का होता है, थोड़ा ये चिकना चिकना, और फीमेल है उसका थोड़ा हार्ड टाइप का होता है। पूरा फूलों का ये जंगल है। फूलों का ऊपर चढ़ रहा हूँ, ऐसा है जगह, गिरने का चांसेस है ये। अभी इस टाइम में फ्लावर का पूरा सीजन चल रहा है, आप लोग नॉर्थ सिटी मिल्टन वैली आ सकते हैं। मैं तो पूरा पेड़ का ऊपर चढ़ चढ़ के मजा ले रहा हूँ, साथ में हमारा दोस्त को भी नहीं देखते उधर दिखाई, तो हमारा दोस्त भी मजा ले रहा है, तो पीछे दीदी भी है, दीदी का भी देखते पूरा मजा। और ये हमारा भाई बंधु, बड़े से भाई बंधु, वो भी चढ़ने का कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं पा रहा। हाँ, और साथ में हमारा साथ एक ब्रदर भी आया है, ऐसा है। हेलो हेलो, क्या फील हो रहा है? बहुत बढ़िया, ये तो जंगल में आने का कुछ मजा ही अलग है। मजा अलग है ना, मजा पूरा बहुत बहुत अलग है। गोरिल्ला जैसे पूरा है ना, पैर में चढ़ने का मजा अलग है, अलग है। हाँ, कलकत्ता से। हाँ हाँ, कलकत्ता से आया ये गोरिल्ला। गोरिल्ला पूरा कलकत्ता का गोरिल्ला है, पूरा देख सकते हैं फूलों फूल। तो मत चुराए यहाँ पूरा फूल, ये पूरा फूल का पैर है, फूल का गाछ। अभी चले, हम लोग निकालने वाला हूँ फिर दूसरा जगह पे, और दूसरा फ्लावर वैली की तरह। यस, चले। वो मत चुराए। हाँ, चुरा कर रहा है, आपसे पूछ के चले। ये इसको देना, थोड़ा छीले गए ये हमको चाहिए। अब भाई जल्दी देना, नहीं चुराना नहीं। हाँ, भाई चुरा रहा है, ये फूल नहीं चुराना है, घर में लेके जा रहा है ना, थोड़ी ना ये। हाँ, बैंक बैलेंस है हमारा, इसको ऐसे देखिए। चले, अभी सांप आएगा जंगल का अंदर। सांप ए, क्यों वो फूल मत चुराए? नहीं नहीं, अभी चाहिए। मैं इधर वीडियो हो रहा है, आपका फाइन लगेगा, वीडियो हो रहा है। जब फ्लावर का टाइम पे आप लोग नॉर्थ सिक्किम लाचुंग की तरह घूमने के लिए आ रहे हैं, तो मिनिमम 2 नाइट 3 डेज का टाइम लेके आना चाहिए ओनली लाचुंग के लिए, क्योंकि 1 नाइट 2 डेज में तो आप लोग कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर कैंपिंग वगैरह भी होगा, हाइकिंग, ट्रेकिंग और साइकिलिंग सब कुछ होगा। इसीलिए ये जगह बहुत प्यारे और अच्छा है घूमने के लिए, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा टाइम लेके नॉर्थ सिक्किम के लिए घूमने के लिए आ जाएं। बहुत सा प्यारे लग रहा है ये रोडोडेन, ये पीछे दिखाई दे रहा है पूरा फूल, चारों तरफ फूलों फूल पड़ा है।
सो दोस्तों मैंने आप लोग का जितना भी हो यिमथांग वैली का सभी फूल देखा लिया। अंदर की तरह जा रहा हूँ मैं, पॉइंट की तरह भी जा रहा हूँ, जंगल है थोड़ा सा। मेरा तो 2-3 घंटा टाइम लगेगा उधर पहुँच कर वापस आने के लिए। और उधर बर्फ अभी उतना तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलेगा खेलने के लिए। और देखेंगे क्या होगा 0 पॉइंट में। मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ। फाइनली अभी मैं 0 पॉइंट भी पहुँच चुका हूँ। ये मिनिमम 15,000 हाइट फुट ऊपर है और मेरा दोस्त भी मिला, इसीलिए थोड़ा सा दोस्त और टूरिस्ट के साथ थोड़ा डांस भी हो रहा है मेरा। बहुत इंजॉय है जो पीछे दिखाई दे रहा है, बर्फ नहीं सा है थोड़ा। उसके लिए आप लोग कॉस उठाना पड़ेगा, जो एक छोटा सा नाला है वहाँ से आपको मिनिमम 200 मीटर क्रॉस करके बर्फ देखने के लिए मिलेगा। खेल भी सकेगा, फिर बाकी तो आप लोग देख नहीं पाएगा नेक्स्ट मंथ से तो। और यही माउंटेन है सिक्किम का सबसे लास्ट 0 पॉइंट बोलता है इसका, नॉर्थ सिक्किम का। यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए इसका नाम 0 पॉइंट है। আমরা আছি ওয়েস্ট বেঙ্গল হাওড়া টমজুটসে। ওকে, তো এখানে এসে ভালোই লাগলো। আমরা 17 জন আছি, 17 জন আছি মোট। হ্যাঁ 17 জন। কালকে আমরা গুরুদম্বাল লেক করেছি, বাট আজকে উইলসন ভাই নিয়ে এসেছে আমাদের 0 পয়েন্ট। ওকে, ভালো লাগলো। আমাদের টিম ফুল টিম ওই যে ওদিকে আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ও তো এখানকার পরিবেশ খুব ভালো লাগলো, আজকের ওয়েদারটা আছে খুব ভালো, 0 পয়েন্ট দেখলাম খুবই ভালো লাগলো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এখানে আপলোক হে ইধর 15,800 অল্টিটিউড মে হে আর ইধর কা আপকো অল্টিটিউড সিকনেস কোই প্রবলেম নেই হো রা হে। ওকে, তো আপলোক জব হাম উধার গয়া থা গুরুদম্বাল, ওকে, উধার সাঁস লেনে বহুত প্রবলেম হো রাহা থা, বাট ইধর 0 পয়েন্ট মে আকে কোই দিক্কত হো রা নেই হো রা হে। ওকে, এই বাতে আপ এসে ভি আপ ইনহেলার चल रहा था। ओके, हम ऑक्सीजन लेके आया था। ओके, बट कपूट सूखने का कपूट, ओके, वो भी लेके आया था, सब चल रहा था। अभी आज के आज इधर आके कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ओके, तो थैंक यू वेरी वेरी सो मच, क्योंकि आपको ये विल्सन नेपाल ब्लॉग से आपको इंटरव्यू लिया, आपने बहुत अच्छा जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और आपका ये वीडियो आपका विल्सन नेपाल ब्लॉग में हम लोग डालेंगे और दूसरा लोग को भी मतलब मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच विल्सन नेपाल, थैंक यू ये प्लग करने के लिए, थैंक यू, ओम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टाटा बाय। ओके सर, ये हमारा ब्यूटीफुल, हां बोलिए, लाल फूल पीला फूल, और विल्सन भैया ब्यूटीफुल, हां अच्छा, बहुत अच्छा, लाल फूल पीला फूल, विल्सन भैया हमारे लिए ब्यूटीफुल। ओके अच्छा, जीरो पॉइंट आके कैसे फील हो रहा है? इस बार 0 पॉइंट में थोड़ा बर्फ तो कम है, लास्ट ईयर बहुत ज्यादा था, दीदी ने बोला कि पिघल गया है जल्दी जल्दी, लेकिन मस्त है। और ये विल्सन भैया से घूम के तो बहुत बहुत अच्छा स्किलफुल ड्राइव करता है एंड बहुत सही है। और देखो इसने वहाँ पे लगा के भी रखा है खुद का एडवर्टाइजमेंट, विल्सन नेपाल एंड पॉइंट पे। तो इसी बात पे हिट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स विल्सन नेपाल एंड हिट द बेल आइकन। यस, सो दोस्तों उम्मीद है शायद आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय।